मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका यूपी आरबीएल। तो गाइज देख सकते हैं मैं गई हूं मोची के पास, मुझे करवाने थे पॉलिश करवाना था क्योंकि मार्केट आई हूं, तो मैंने सोचा लगे हाथ ये भी काम हो जाए। और फिर उसके बाद गाइज ये कुछ घड़ी थी जो मैं देख रही थी, बेटे को पसंद आई तो फिर बेटे को दिला दी, क्योंकि बेटे के जीत के आगे फिर हम लोगों की नहीं चलती है, क्योंकि हम लोग अपने में तो कोई भी चीज़ हो उसको संतोष कर लेंगे, नहीं चलो बहुत महंगा नहीं लेंगे, मगर जब बच्चे जिद पे आ जाते तो उनको हमें दिलाना ही पड़ता है। और फिर गाइज उसके बाद घर आके मैंने किए हैं कपड़ों में प्रेस, जैसे कि आप देख सकते हो अभी मैंने अपने ब्लेजर में किया। फिर उसके बाद ये बेटी की जैकेट है, तो जैकेट में ऐसे प्रेस करेंगे तो प्रेस जो है चिपक जाएगा, इसके लिए मैंने प्रेस को इसके ऊपर साड़ी डाल दिए हैं और प्रेस भी हमारा बराबर हो जाएगा। और फिर उसके बाद मतलब इसमें ना तो जलेगा कुछ भी नहीं होगा। और गाइज अगर आप लोग चाहें तो ये एकदम बहुत ही अच्छा तरीका है, आपके जैसे जैकेट हैं या फिर ऐसी साड़ियां हैं या फिर ऐसे कपड़े हैं जो जलने का डर है तो डर नहीं आपको रहेगा, ऐसे करके आप ऊपर से डाल सकते हो और आसानी तरीके से आप प्रेस कर सकते हो। तो गाइज आप लोगों से बहुत सारी बात करनी है कि शादी के पहले यानी लव मैरिज शादी के बारे में बहुत सारी बात करनी है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं, सारे कमेंट का जवाब मैं आज एक एक करके दूंगी। और गाइज प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और प्लीज़ स्क्रिप भी मत कीजिए। और ये देखो मेरा मेरा कपड़ा है यानी मेरा गाउन है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये मेरे बेटे को सर्दी लगी थी तो इसको मैं दिला रही थी विक्स की भाप, इससे छाती की सिकाई भी हो जाती। और फिर उसके बाद गाइज यहाँ आ गई हूँ किचन में, तो किचन में बना रही हूँ तहरी, तो आइए पहले तहरी बनाते हैं फिर उसके बाद आप लोगों से बहुत सारी बातें करते हैं जो आप लोग जानना चाहते हैं वो सारी बातें मैं आप लोगों के साथ रखती हूँ। तो चलिए पहले तहरी बनाते हैं, साथ में म्यूजिक सुनते हैं।
बन गई थी। फिर उसके बाद बिस्तर थे वो भी मैं रखने लगी हूँ और मैंने नहा धुल सब लिया था। फिर उसके बाद गाइस मैं निकली हूँ बाहर जाने के लिए, तो बेटे को लेके जाऊँ और बेटे के यहाँ देखो आज ये यूनिफॉर्म, क्योंकि बेटे के स्कूल में है प्रोग्राम। और ये देखो मेरी मम्मी आई हुई हैं और मेरी बेटी बैठी हुई थी, तो हम चारों लोग रिक्शे से निकल गए। और फिर उसके बाद गाइस हम लोग पहुँचने वाले हैं उसके स्कूल, और देखो ये स्कूल का है। और फिर उसके बाद गाइस ये है हॉल जहाँ पे बेटे का मतलब बेटे के क्लास के बच्चे ही इसी हॉल में रुके हुए थे, बाकी सारे बच्चों का अलग अलग था, मगर जो बच्चे जिस क्लास के थे उनका हॉल अलग अलग रखा गया था। और फिर उसके बाद गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे हुआ था कार्यक्रम, तो यहीं पे हम लोग बैठ के देख रहे थे कार्यक्रम। और नन्हे मुन्ने बच्चे थे जिनको देख के बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि अपने पुराने दिन याद आते हैं बच्चों के साथ। और यहाँ पे भी बैठ के गाइस हम लोग देखे हैं, मैं मेरी बेटी सारे लोग थे और बहुत ही अच्छा लगा कार्यक्रम। और छोटे छोटे बच्चों को देख के लग रहा था कि काश हम लोगों की ये दिन वापस आ जाए, हम लोग भी कभी इसी तरह रहते थे स्कूल में। हाँ यह है तब में और अब में बहुत फ़र्क है। हम लोगों के यहाँ जो भी ड्रामा होते थे वो थोड़ा सा सिंपल तरीके से, आज यही थोड़ा सा और एडवांस तरीके से होते, मगर अपने वो पुराने दिन याद आते हैं। Oh, oh, oh.
गाइस मैं आप लोगों से बात करती हूँ आरती के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं आरती की शादी हो गई और कहा जा रहा आरती शादी से 2 महीने पहले ही प्रेग्नेंट है। तो देखो, जब तक हम किसी के बारे में पूरी तरह से जान न लें वैसे हम जजमेंट नहीं कर सकते। मीडिया वाले बहुत ज़्यादा परेशान करके आरती को रखें। क्या ये सच हो सकता है? हाँ, ये है कि आरती ने प्यार किया था। जैसे आरती को कहा जाता वो विधवा होकर दूसरी शादी क्यों की, बल्कि आरती ने तो शादी ही नहीं की थी। प्लीज़ गाइज आप लोग कमेंट करके